ये असली स्पॉट है जो पिछले काफी दिनों से और महीनों से जो है वो एक बर्निंग इश्यू बना हुआ है। ये चिनाब है यहाँ पर मुगल मैदान के पास में। आप देख सकते हो कि ये जो चिनाब की विड्थ थी वो यहाँ तक थी। आप देखिए कि कितना इसमें मलबा डाला गया है और कि ये चिनाब जो है वो दरिया जो है वो ये चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है वो पूरा ही ब्लॉक हुआ है। अब इसको खोलने की कोशिशें की जा रही है पिछले कई दिनों से। आप देख सकते हो यहाँ पर अब मशीन उतारी गई है और ये पूरा ही जो चिनाब है वो बंद है। जिसके आप दिखा रहे थे हमारा ही एक किश्तवाड़ का दलाल जो बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर इन लोगों के साथ मिलकर जो है वो किश्तवाड़ को तबाह कर रहे हैं अपनी चंद टके की सैलरी के लिए। वो देखिए, आप देखिए ये पूरा पानी इसका फ्लो आप देखिए और वहाँ से पूरा पत्थर जो भी उस पे गया हुआ है ना, मतलब कोशिश कर रहा हूँ पूरे को पूरे में बाहर निकाल। जनाब वाली चिनाब की विड्थ वहाँ तक थी, आपने ये 30 फुट इसमें मलबा डालकर पूरी विड्थ ही बंद कर दी है। क्यों नहीं उठवाते हैं जैसे ही आपका ये जो मग निकल नहीं डालना ही क्यों पहले है? क्यों नहीं आप लोग जी अपने ये जो टिपर्स आपको हैं यहाँ पे उसमें डाल के आप ले जाते हैं? आप देखिए इस वक्त भी जो है वो दरिया में ही डाला जा रहा है सब कुछ। यहाँ पे इतने बड़े बड़े वो पहाड़ बना दिए तो वो आप लोग क्यों नहीं उठा के जो ले जाते? हम बता रहे हैं कि आपको हमने दिखाया आपको कि यहाँ पर हमारा अपना ही एक दलाल जो चंद तनख्वाह के लिए और वो भी बैकडोर ही लगा होगा मुझे यकीन है इस जहाँ का भी है लेकिन यहाँ का लोकल है वो भी बैकडोर और सिफारिशी ही लगा होगा मुझे इतना यकीन है। डोडा और किश्तवाड़ में कोई फर्क नहीं है क्योंकि जितनी तबाही किश्तवाड़ की होगी पहले किश्तवाड़ से ही तबाही जो है वो फिर डोडा को आगे उड़ा के ले जाएगी। जब सैलाब पीछे से आता है जो एंड टेल पे होता है वो उसको भी उड़ा कर लेता है। अगर वो डोडा का है पहले वो किश्तवाड़ को उड़ाएगा जो तबाही है वो फिर वहाँ यहाँ से डोडा को भी उड़ा के लेगी। और इसमें मैं बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे लोग लगे हैं मैक्सिमम पॉलिटिकल सिफारिशों की वजह से लगे हैं, चाहे वो कंट्रैक्टर्स हो चाहे वो एम्प्लॉइज हो, तभी तो ये तबाही मची है। उनको अपने पैसों के लिए 6,000-10,000 की तनख्वाह के लिए जो है वो मतलब है किश्तवाड़ जाए बाढ़ में, डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जाए बाढ़ में। आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार हम बने हुए हैं और ये डटपट का एरिया है। यहाँ पर DDC चेयरपर्सन जो है वो खुद जो है वो एनालाइज कर रही है। हालांकि ये चीज़ें हमें पहले करनी चाहिए थी, हमने कई बार आवाज़ उठाई लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने जो है वो सुध-बुध नहीं ली क्योंकि ये हाई प्रोफाइल पैसे वाले लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है जो किसी का भी ईमान खरीद सकते हैं और किसी भी चीज़ को अपनी तरफ जो है वो फेवर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वायलेशन है। आप देखिए कि किस तरह से इस पहाड़ी को जो है वो ब्लास्टिंग कर करके जो है इसको तबाह किया गया है और जो यहाँ के लोग जो है वो हमें बता रहे हैं कि उनके घर हिले हुए हैं, उनके घरों की जो है वो डैमेजेस हुई है। मेरे पास विजुअल्स भी आए हुए हैं, उनके दिखाए भी हमने आपको वो विजुअल्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ये तो नीचे आना ही है। मतलब फिर तो कोई फायदा ही नहीं है अगर आपको ऐसे ही पहाड़ बनाने हैं पूरे यहाँ एरियाज में, तो फिर डंपिंग यार्ड किस लिए रखी है? सिर्फ दिखाने के लिए है और पैसे आप लोगों को मिल रहे हैं वो कहाँ? मतलब आप अपने फायदे के लिए हमारा नुकसान कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से JEE जो है वो बहस कर रहा था जो पर क्यूबिक मीटर में कितना टोटल जो है वो मटेरियल निकलता है वो भी कैलकुलेट होता है। वो कोई अनपढ़ ही हो जिसको वो ना पता चले, आजकल डिजिटल साइज से डिजिटल इक्विपमेंट से अगर आप गूगल में डालोगे कि इतने मीटर बाई इतने मीटर क्यूबिक मीटर उसमें कितनी मिट्टी निकलेगी या कितना स्टोन निकलेगा वो आपको कैलकुलेट करके देगा। तो जो ये JEE जिसका बताया गया जो डोडा से JEE है उसके बारे में बताया गया हमें, वो जो है वो इस को छुपाने की कोशिश कर रहा था और किस तरह से जो है वो बेवकूफ बना रहा था कि जैसे आगे से जो है वो कोई अनपढ़ लोग जो है वो खड़े। ये देखिए ये विजुअल इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं, हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। ये देखिए ये डटपट के मकाम के विजुअल्स हैं। आप देखिए पूरा जो दरिया है उसको बंद कर दिया गया, यहाँ पर ब्लॉक है, इसका जो पाथ है वो रोक दिया गया है, इसकी जो मलबा डाला गया है उससे, और अब कोशिशें की जा रही हैं इसको खोलने की। और आप देख रहे हैं यहाँ पर JCB भी लगाई है और पूरी फुल विड्थ रोड जो है वो दरिया में आप बन गई है।
और दिखावे के लिए और तमाशे के लिए जो है वो रास्ता बंद रखा हुआ है, और जो गाड़ियां हैं वो अल्टरनेटिव रोड से जो है वो निकाली जा रही है, जो 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो उसका डिस्टेंस जो है वो लोगों को जा रहा है। और अगर कोई सफर कर रहा है, किश्तवाड़ कर रहा है, किश्तवाड़ के लोग कर रहे हैं, किश्तवाड़ का एनवायरमेंट जो है वो सफर कर रहा है, मैं किश्तवाड़ के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कब तक, कितनी देर तक, कब तक जो हमारा ये एनवायरनमेंट है उसको तबाह करते रहेंगे और कुछ चंद मफाद परस्त लोग जो है वो इनसे पैसा कमाते रहे। आप सबका सुनने के लिए, देखने के लिए शुक्रिया। हम लगातार बने हुए हैं इस कवरेज पर, आप देखते रहे हमारे चैनल को।